हेलो फ्रेंड्स, कानपुर गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क डन इन वेरियस क्लोज सिस्टम। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एनर्जी इंट्रैक्शन में वर्क ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा। ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्क डन इन वेरियस क्लोज सिस्टम। अलग अलग सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन इन वेरियस क्लोज सिस्टम, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। नंबर वन जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा, और हमारा वर्क जो होता है वो होता है पी पी डेल्टा वी। यानी कि अगर ये जीरो है तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा वर्क हो जाएगा जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क होता है वो होता है जीरो। ठीक है, दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दूसरा जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि पी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी कांस्टेंट है तो जो वर्क होता है वो होता है पी डेल्टा वी या डीवी। ठीक है, तो वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी V2 माइनस V1। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो वर्क होता है वो ये होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क होता है वो होता है जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। और तीसरा हम देखेंगे किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है, टी जो होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो अब देखो, यहाँ पे हमें पता है पीवी जो होता है वो एम आर टी होता है। एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, अब टी कांस्टेंट हो ही गया, तो यानी कि यहाँ से जो निकल के आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और हमें वर्क जो निकालते हैं वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा डीवी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डीवी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से हमें पी को हटाना होगा और यहाँ पे लाना होगा किसको, वी को। तो हमने कहा यहाँ पे अगर वी लाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, तो हम इसको हम पी की जगह पे उठा के यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी वी और डी वी। तो सी बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, वी डी वी अपॉन वी। तो यहाँ से जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा सी एल एन वी। ठीक है, एल एन वी आ जाएगा, एल एन वी। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से 2 होगा इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पे जो लग जाएगा इनिशियल 1 से 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आ जाएगा सी एल एन वी टू माइनस वी वन। वी टू माइनस वी वन निकालेंगे तो ये आ जाएगा वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, ये हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन। और हम सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू सी है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू सी, तो ये बराबर होगा पी टू वी टू के। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो W जो हो सकता है वो ये हो सकता है पी वी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे पी वन वी वन लिख सकते हैं, या पी टू वी टू लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा पी वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये एम आर टी। ठीक है, एम आर टी भी लिख सकते हैं, एम आर टी।
एम आर टी, अब टी टू कॉन्स्टेंट है या टी वन लिखो या टी टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि अगर हम पी वन वी वन बराबर है पी टू वी टू के, ठीक है, तो पी वन अपॉन पी टू इजिकल टू वी टू अपॉन वी वन, तो यानी कि ये वी टू अपन वी वन की जगह पे हम पी टू अपन पी वन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एल एन में अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो होंगे ये आएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो ये होंगे सारे के सारे आइसोथर्मल के लिए। यहाँ पी वन पी वन वी वन लिख सकते हो, पी टू वी टू लिख सकते हो, एम आर टी टी वन लिख दो या टी टू लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर सेम होंगे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। नंबर चार हम देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक। तो एडियाबेटिक के लिए जो होता है वो होता है पी वी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो ये होता है एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। और हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पी को हटाना होगा, इसकी जगह पे वी को लाना होगा। तो पी जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ अपॉन वी की पावर गामा, ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिख दिया इसको, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी अपॉन वी की पावर गामा डी वी, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर हम सी को बाहर ले जाएं और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और वी की पावर गामा, ठीक है, तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर माइनस गामा डी वी, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा सी v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन, और ये जो लगाएगा मतलब वन से टू तक, ठीक है, लिमिट जो होगी वन से टू तक हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख देंगे कि c v2 वन माइनस गामा माइनस वी वन वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सी ऊपर हो जाएगा वी वन की पावर वन माइनस गामा माइनस वी टू की पावर वन माइनस गामा, और नीचे से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस वन, ठीक है, और माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम अगर सी की जगह पर देखें तो सी की जगह पर क्या लिख सकते हो, सी की जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें पी वी की पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम ये पता चलता है कि पी वन वी वन की पावर गामा इजुकल टू पी टू वी टू की पावर गामा इजुकल टू कांस्टेंट, और इजुकल टू ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन की पावर गामा या पी टू वी टू की पावर गामा, तो हमने सी का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। जब c का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो c v1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v2 1 माइनस पावर गामा v2 1 माइनस गामा, ठीक है, नीचे हो जाएगा गामा माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे भी c होगा।
अब हमने क्या किया, जब सी वी वन के साथ है तो इसके जगह पे हम लिख देंगे पी वन वी वन की पावर गामा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जब वी टू के साथ है, वी टू के साथ वाले सी की जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे पी टू वी टू की पावर गामा, ठीक है। इससे होगा क्या, वी वन गामा और वी वन माइनस गामा कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। यही हमारा वर्क डन निकल के आएगा किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें पॉलीट्रॉपिक के लिए, ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक के लिए अगर हम बात करें तो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा उसका भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, बस उसमें फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे जो गामा होगा उसकी जगह पे वहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, अब पांचवा तो देख लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि निकालेंगे फिर से उसी तरीके से निकालना होगा, अगर निकालना हो तो उसी तरीके से निकाल सकते हैं, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक के लिए, ठीक है। और जो एडियाबेटिक के लिए होता था वो क्या होता था, ये हो जाता था पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, ये होता है एडियाबेटिक के लिए, ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये होता है। तो इसमें जब फ़र्क क्या होता है, बस यहाँ पे ये एन है और यहाँ पे इसमें ये गामा होता है, बाकी सारा प्रोसेस निकालने का तरीका भी सेम होता है क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वो होता है जो इक्वेशन होती है वो पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गामा था अब वहाँ पे आ गया क्या एन, तो सेम प्रोसेस जिस तरीके से हमने एडियाबेटिक के लिए किया उसी तरीके से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी हम आसानी से पूरा प्रोसेस उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वर्क डन इन वेरियस क्लोज सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है और वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये सारा हमने इसमें इस वीडियो में देखा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।